साहब कैसे हो? बस बढ़िया प्रदीप भाई। क्या नाम है भाई साहब अपना? पुनीत कुमार। पुनीत कुमार कहाँ से आए हो पुनीत जी? पोरबंदर से आए प्रदीप भाई। पोरबंदर गुजरात? गुजरात। कितना किलोमीटर पड़ गया था? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। हाँ। बिल्कुल। तो मानस पहले से ही था लाने का कि अचानक बनाया मानस? नहीं, पहले से ही प्लान था। पहले से ही प्लान था। तो पहले भी कभी आए हो क्या इस मेले में? मेले में 4-5 बार आ चुका हूँ, पर रिंग में लगा नहीं है, इसलिए पहली बार जानवर लेके। अच्छा, रिंग के लिए लेके आए हो? रिंग के लिए लेके। तो आज से पहले कभी रिंग में लगाया है? नहीं लगाया, पहली बार लगाओगे? तो अभी ये बच्ची है ना? हाँ, 4 दांत हो चुकी है। 4 दांत घोड़ी हो चुकी है? घोड़ी हो चुकी है। तो किस कौन है इसका बाप? ये अबूराज का बेटा है ना, राज तिलक। हाँ, अबूराज का जो बेटा राज तिलक की बच्ची है। हाँ, राज तिलक की बेटी। और माँ की बात करें तो? माँ पैलेस लाइन में। पैलेस लाइन की? हाँ। है अभी है माँ? उम्र की? तो उम्र में कितनी है ये? 4 साल की हुई प्रदीप। 4 साल की। हाँ। और हाइट कितनी है इसकी अभी? हाइट अभी ये है इसकी 63। 63। भाई घर की होम ब्रीड है क्या अपनी? नहीं, खरीदी हुई है। कितने टाइम पहले खरीदी थी? 4 महीना हुआ प्रदीप। 4 महीने हुए? 4 महीने। कहाँ से ली थी, किससे ली थी ये? सुरेंद्रनगर के बाजू में वढ़वाण है ना, उधर जिला निकर के मेरा फ्रेंड है, उसके पास से। यानी अपने लोकल में से लिया है। चलो, और भी घोड़ा घोड़ी रखते हो घर पे? हाँ, यही है। 10 घोड़िया है अभी। 10 घोड़िया और है? सब घोड़िया 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 ही घोड़िया। घोड़ा कोई भी नहीं, नहीं है? कोई भी नहीं। तैयार करने का नहीं सोचा घोड़ा? नहीं, घोड़ा फिर बाद में ब्रीड करवाया है तो होगा, तो घर की होम ब्रीड बनाए बस बनाओगे। तो कितना टाइम हो गया घोड़े रखते हुए? घोड़े रखते हुए हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो शुरुआत किसने करी, आप नहीं के पापा ने? नहीं, मैंने खुद। आपने? हाँ। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र है 25 साल। 25 साल। हाँ। तो आपको कैसे लगा घोड़े रखने चाहिए? ऐसे ही शौक से ही। हैं? शौक से ही। अच्छा, शौक से ही। हाँ। तो किसी के पास देखे थे के पहले घोड़े? नहीं, पहले एक जब मैं छोटा था तब मेरे पापा के पास एक थी, 5 साल का था तब, फिर वो डेथ हो गई, उसके बाद फिर मैं 20 साल का हुआ उसके बाद रखनी चालू की। तो अभी इतने टाइम में कुछ बेचा क्या? बेचा नहीं, अभी खरीदा ही खरीदा है। खरीदा ही खरीदा है। तो खरीदने का ही विचार है कि बेचने का कोई विचार नहीं? बेचने का अभी नहीं, जब होम ब्रीड होगी तैयार तो फिर उसमें से बेचेंगे। कोई बच्चा आया फार्म पे के? नहीं आया अभी तक। बच्ची आई है। बच्ची आई है? किसकी आई है वो बच्ची? केसरिया की। केसरिया घोड़े? हाँ। क्योंकि आपके नजदीक में ही पड़ जाता है ना? में पड़ जाता है। और मेरे लगता है आपके यहाँ का एरिया का तो बहुत पॉपुलर घोड़ा है वो। हाँ, ना पॉपुलर घोड़ा है बिल्कुल। तो उससे और बाकी जो घोड़िया आपके पास में वो किस किस से प्रेग्नेंट करा रखी है? एक दिलबाग से कौर होने गई है, एक देवराज से, एक रुद्राक्ष से हो चुकी है। पूरा तुम तो ब्रांडेड माल लेके बैठे हो। है आजकल युवाओं को मेरे को लगे हल्का माल पसंद नहीं आता, सब ब्रांड वाला चाहिए। है ब्रांड वाला प्रदीप भाई, अभी हवा उसी तरफ चल रही है ब्रांड की ओर, तो उसी तरफ चलेंगे ना। तो तुम कहो तो हवा का रुख बदल दे। नहीं नहीं है नहीं, चलने दे उधर ही। चलने दे। चलो, तो कैसा लगा मार्केट, इतने टाइम से मार्केट के अंदर हो? मार्केट तो अच्छा लगा प्रदीप भाई। बढ़िया लगा? हाँ बढ़िया लगा। बाकी अभी मेले में खाली बस रिंग के हिसाब से लेके आए? हिसाब से लेके आए। तो रिंग में क्या सोच के लेके आए हो, जीतेगी कि हारेगी, क्या सोच के लाए हो? हारेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, और जीतेगी भी कोई दिक्कत नहीं? तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉम्पिटिशन में एक बार लगानी है बस। चलो, यही मेरे को लगता है कि हर आदमी के अंदर रहना चाहिए, है ना। इस चीज में मेरे को युवा ठीक लगते हैं कि युवा को हार जाए तो गम नहीं और जीत जाए तो भी कोई गम नहीं, है ना। क्योंकि हार और जीत तो मेरे को लगता है चलती रहती है प्रदीप भाई। लेकिन पर ये कि इतनी दूर से आप लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो और भी कोई आया अपने वहाँ एरिया का, कि आप ही अकेले आए? आ रहे हैं दूसरे लोग। आ रहे हैं? आ रहे हैं। पहले वो देख रहे होंगे, पहले ये पहुंच जाए, मैं ओके की खबर दे दें। नहीं, वो लोड ही करने वाले थे, अभी लोड हो गए जानवर। अच्छा, लोड हो गए। चलो, तो मेले में टेंट वेंट का जुगाड़ करा के नहीं करा अभी? हाँ, ये टेंट लग रहा है प्रदीप। अच्छा, लग रहा है। चलो, बाकी बढ़िया। बाकी तो मेले में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, पर ये है कि चलता है। कोई बात नहीं, दिक्कत आएगी तो ही सीखने को मिलेगा ना। बिना दिक्कत के तो क्या सीखे? हाँ, सीखे। घर जैसा ऐसा आराम मेले में नहीं मिले है ना, पर जब भी मजा आता है, मजा आएगा। चलो बढ़िया है। बाकी पहले भी तुम घोड़ा जब आते थे मेले में, 4 साल से आ रहे हो जैसे। हाँ। तो घोड़ा घोड़ी लेके आते थे कि वैसे ही देखने के हिसाब से? ऐसे आता था, यहाँ से लेके जाता था। अच्छा, लेके जाते थे। तो 4 साल में कितने लेके गए मेले से? 2-4 लेके गया है। तो जो वो भी घोड़िया जो आपके घर पे, उसमें से है कोई घोड़ी? उसमें से नहीं है अभी। अच्छा, बेच दिए वो? फ्रेंड को दे दी। अच्छा, फ्रेंड को दे दी। तो अभी कितने लोग आए हो एक घोड़ी के साथ में? इस घोड़ी के साथ हम 4 लोग। 4 लोग आए हो? चलो बढ़िया है। सारा जुगाड़ साथ में लाए, खाने पीने का? सब जुगाड़ साथ में। सब जुगाड़। फिर कब रिंग कराते ही वापस? रिंग खत्म होते ही फिर वापस। वापस चले जाओगे? चलो, ओके, थैंक यू भाई साहब। बाकी क्या नाम रख रखा है इसका? इसका नाम भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी? हाँ। हमारा भाग्य बदल देगी ये? है, मानते हो कि नहीं मानते हो?
सही, जब से ये आई जब से कुछ परिवर्तन हुआ जिंदगी में कि नहीं हुआ? परिवर्तन तो बहुत हुआ प्रदीप भाई। हुआ क्या? हुआ कुछ छोटा सा कुछ हुआ हो? नहीं, बहुत काम हो रहे हैं। काम हो रहे हैं, बिगड़े हुए काम बन रहे हैं या बन रहे? क्या क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम पुनीत। पुनीत, और क्या है अपना मोबाइल नंबर? 9824 76 2481। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप।